हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारा सा एक मफलर बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बिना क्रोशिए के और बिना सिलाइयों के ही हम ये जो मफलर है, या इसको आप शॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, शॉल भी बना सकते हो, मफलर भी बना सकते हो, और आप ब्लैंकेट भी बना सकते हो। तो ये एक मैंने छोटा सा पीस बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखो, एक मैंने जो है प्लाई बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसका पीस ले लिया है, ये देखो। तो अगर आपके पास गत्ते का पीस है तो आप गत्ता भी ले सकते हो, जितना भी बड़ा आपको बनाना है आप उतने साइज का ले सकते हो। तो मेरे पास ये देखो इतना सा है ये। तो मेरे पास जो ये वूल है काफ़ी पतली है, तो मैंने ना इसको ट्रिपल किया है, तीन धागे मैंने इसके जो है तीन धागे लिए हैं वूल के। तो अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप सिंगल धागा भी ले सकते हो, और अगर पतली है तो मेरी तरह आप ट्रिपल कर सकते हो। तो ये देखिए, ऐसे हमने बांधते जाना है, एक लाइन मैंने लगा ली है, और ऐसे ही सारा जो हमने इसको ऐसे, ये देखो, उल्टी साइड पे हमने नॉट लगाते जाना है, और पूरा इसको हमने जितना भी इसकी चौड़ाई है उतने पूरी मैं लाइनें इसकी जो है लगा लूँगी। तो हम बिना सिलाई के और बिना क्रोशिए के कैसे अपना जो है मफलर या शॉल या ब्लैंकेट जो है बना सकते हैं, तो इस वीडियो में आज आपको पूरा बताने वाली हूँ मैं। तो अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो तो आप बड़ा गत्ता या बड़े साइज़ का जो है प्लाई ले सकते हो, और उसके साइज़ के हिसाब से आप अपना जो है शॉल भी बना सकते हो और ब्लैंकेट भी आप बना सकते हो। तो पूरा पहले हमने क्या है, सीधा सीधा इसको ऐसे बांध लेना है, और बहुत ही प्यारी इसकी जो वीविंग है ना, बहुत ही प्यारी आती है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनता है। तो पहले जो है जितनी भी लाइनें आपने लगानी है कंप्लीट, मैं इसको कर लूँगी सारे। तो मैं बताती हूँ आपको कि कितनी लाइन्स जो हैं मैंने लाइन्स लगाई हैं इस पर। ये देखिए, पूरा मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको पूरा बराबर बराबर कर लेंगे। तो ये मैंने ट्रिपल वूल जो है यूज़ की है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब ये देखिए, लाइनें हमने पूरी लगा ली हैं। तो ये मैंने एक हेयर पिन ली है, इसकी हेल्प से ही मैं इसको जो है पूरा बनाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने हेयर पिन में इसको डाल लिया वूल को, जो कि मैंने ट्रिपल धागा लिया है। ये देखिए, ट्रिपल लिया है मैंने। अब हमने ना इसको काउंट कर लेना है कितनी है हमारी। तो मैंने ना ये 15 लाइंस लगाई हैं, सात एक साइड को छोड़ दूंगी और सात जो है दूसरी साइड को, और जो बीच वाली 15वीं वाली है, ये देखो 15 है ना, तो सात एक साइड को छोड़ ली, सात एक साइड को, 14 हो गई, और सेंटर में से जो एक बच गई वहाँ पे हमने देखो इसको बांध लेना है अच्छे से, और यहीं से हमने इसकी वीविंग जो है शुरू करनी है। ये देखो, तो एक को हमने छोड़ देना है, एक को छोड़ के और दूसरे में हमने जो है हेयर पिन जो है ये निकालनी है। ये देखिए, एक को छोड़ दिया और दूसरे में से निकाल दिया। वूल को मैं कट कर लूँगी नीचे से। अब ये देखिए, ऐसे हमने इसको निकालते जाना है। अब हमने एक को छोड़ के और फिर दूसरे में डालना है। बस एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में से हमने निकालते जाना है, और ऐसे ही पूरा इसको जो है हमने बनाना है। और इस बात का ध्यान रहे, ये देखो, कि पहले हमने जिस लाइन में से निकाला था बाद में हमने दूसरी लाइन से निकालना है, तभी हमारी जो ये वीविंग है बहुत अच्छी सी आएगी। ये देखो, और साथ साथ में इसको देखो हाथ से ऐसे सेट करते जाना है। अब ये देखो हमने कैसे निकालना है, ये देखो, एक को छोड़ दिया और एक में से हमने ये हेयर पिन को
निकाल दिया। अब ऐसे ही पूरा मैंने इसको भर लेना है और यहाँ पे मैं बीच में एक वाइट कलर का धागा भी लगाऊंगी, वूल भी लगाऊंगी, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से एक या दो या तीन कलर जैसे भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा, ये देखो ऐसे सेट करते जाना है। अब एक को छोड़ दूंगी, ये देखो मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखो एक को छोड़ के और दूसरे में से ये देखिए ऐसे ही हमने ऐसे देखो निकालते जाना है बड़े आराम से। ये देखिए एक को छोड़ दिया और एक में से निकाल दिया और ऐसे ही हमने पूरा जो है इसको बनाते जाना है। और बहुत ही आसान है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो विंटर के लिए आप अपने लिए कोई शॉल भी बना सकते हो और मफलर भी बना सकते हो। तो जितने बड़े साइज़ का बनाना है आप उतना ही, जो गत्ता है या वुड है तो उतना ज़्यादा बड़ा आप जो है ले सकते हो और आसानी से अपने लिए जो है ये बना सकते हो। और हमें कोई सिलाइयों का झंझट नहीं और ना ही कोई क्रोशिए का। तो देखो एक हेयर पिन से ही हम कितना अच्छा ये जो है मफलर या ब्लैंकेट अपना जो बना के तैयार कर लेंगे। साथ में ये देखो ऐसे हमने इसको सेट करते जाना है ताकि बिल्कुल घना घना सा बने, ये बिल्कुल अच्छा टाइट सा। अब देखिए ऐसे मैं पूरा भर लूंगी इसको। तो इतना सा बनाने के बाद आगे मैं इसके वाइट कलर भी लगाऊंगी। तो ये देखिए इतना बना लिया मैंने। अब वाइट कलर, दूसरा कलर हमने कैसे लगाना है ये देखो, यहाँ से हमने एक नॉट लगानी है अच्छे से पक्की करके, और ये नॉट जो है ना बाद में हम नीचे वाली साइड को लेकर आएंगे, इसकी फिनिशिंग कर लेंगे बाद में, और एक्स्ट्रा जो है इसका धागा उसको कट करके फिर ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। जितनी भी लाइंस आपने वाइट की लगानी है आप लगा सकते हो। तो मैंने जो है वाइट कलर की 5 लाइनें मैंने वाइट कलर की लगाई हैं। बस बनाने का तरीका मैंने बता दिया आपको, एक को छोड़ के एक में से आपने निकालते जाना है और ऐसे ही पूरा इसको जो है भर लेना है आपने। तो ये देखिए हमारा वाइट कलर आ गया, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका जब मैं पूरा आपको बना के दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर से ऐसे ही हमने निकालना है, ये देखो जैसे मैंने आपको एक बार बताया। ये देखिए और ऐसे ही हमने इसको सेट करते जाना है। साथ साथ में आपने ना इसको सेट करते रहना है ताकि ये बराबर से आए। तो देखिए कितना आसान है ना ये बनाना। इस ऐसा ही आप कुछ भी बना सकते हो, अपने लिए ब्लैंकेट भी बना सकते हो वूल के साथ। और ये है कि आपको जिस भी साइज का बनाना है उस साइज का आपको जो है गत्ता लेना पड़ेगा, बड़े साइज का गत्ता लेना पड़ेगा, या जो आपके पास कोई वुड का पीस है, कोई प्लाई जैसे बोर्ड होता है ना बड़ा सा पीस हो प्लाई बोर्ड का, तो वो भी आप ले सकते हो और उसके ऊपर जो है आप आसानी से इसको बना सकते हो। ये देखिए अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे से हमने इसको रफली देखो ऐसे ही कट कर लेना है क्योंकि हमने ये काफ़ी बड़ा जो है वूल हमारी साइड से काफ़ी बड़ी है, तो इसको अब हम कट कर लेंगे बराबर से जितना भी हमें रखना है। ये देखिए ऐसे दोनों साइड से मैं इसको कट कर लूँगी। अब आगे हमने क्या करना है तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने इसको, ये देखो एक दो पीस पकड़ के हमने ऐसे नॉट लगाते जाना है और डबल करके हमने जो है इसकी नॉट लगानी है ताकि ये खुले नहीं। ये देखो दो दो पीस पकड़ते जाएंगे ना और इसको नॉट लगाते जाएंगे, अच्छे से बांध लेंगे और ये हमारा जो है बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट जो है बन के तैयार हो गया। ब्लैंकेट तो नहीं है ये, तो छोटा सा मैंने आपको
छोटा से पीस पे बना के दिखाया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप बड़े साइज़ का जो है मफलर बना सकते हो, और अपना शॉल स्टॉल जैसे होता है ना, स्टॉल भी अपना अपने लिए बना सकते हो। और आप ज़्यादा बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो तो उतना ही आपको, जैसे प्लाई बोर्ड होता है ना, बड़ा सा पीस आपको लेना पड़ेगा। और आप ब्लैंकेट भी बना सकते हो, इसकी बेड शीट भी बना सकते हो, जो कि विंटर के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो देखो कितनी अच्छी इसकी प्यारी सी देखो वीविंग आई है ना, कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। तो बिना सिलाई के और बिना क्रोशिए के देखो कितना प्यारा हमारा ये एक हेयर पिन के साथ ही कितना प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने ना एक छोटे साइज़ का भी बनाया है, जिसपे कि मैंने डबल वूल लगाई थी और डबल धागा लगाया था, ऑरेंज और येलो कलर का डबल से बनाया था। तो ये मैंने डबल से बनाया, और ये जो मैंने पिंक वाला बनाया है ना, ये ट्रिपल धागा मैंने लिया। ट्रिपल के साथ इसका बहुत ही अच्छा जो वीविंग थी ना इसकी, बहुत ही प्यारी आई है। और ये मैंने डबल लगाया है, और अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप सिंगल धागे से भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।